सिंहस्थ कुंभ महानतम पर्व नासिक तीर्थ विशाल वर्षा वही सत्संग सुधा सतगुरु श्री सतपाल नासिक नगर में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का ये पवित्र त्योहार प्रत्येक 12 वर्ष के बाद बड़ी उत्सुकता और हर्ष के साथ मनाया जाता है। आने पर तीर्थयात्री पुण्य की प्राप्ति और कष्टों के निवारण हेतु पवित्र नदी गोदावरी में स्नान करते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच पौराणिक काल में हुए अमृत मंथन के दौरान अन्य दिव्य पदार्थों के साथ अमृत से भरा एक कुंभ भी निकला। असुर उस कुंभ का अमृत पान कर अमर हो जाना चाहते थे, लेकिन जब दैत्यों ने अमृत कलश को देवताओं से छीनने की कोशिश की तो देवराज इंद्र का पुत्र जयंत इस अमृत कलश को लेकर भाग निकला। राक्षसों ने कलश प्राप्त करने के लिए जयंत का पूरे ब्रह्मांड भर में पीछा किया, लेकिन जयंत तीनों लोकों में भागता रहा। इस भागदौड़ के दौरान आकाश से अमृत की चार बूंदें विभिन्न स्थानों में गिरी और उन्हीं चार स्थानों में प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ पर्व मनाया जाता है। इसी क्रम में नासिक कुंभ 2015 के दौरान एक भव्य एवं ऐतिहासिक शोभा यात्रा का आयोजन कुंभ मेला क्षेत्र तपोवन स्थित सद्भावना सम्मेलन के विशाल पांडाल से किया गया। देश और विदेशों से इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने आए लाखों श्रद्धालु अपने पारंपरिक परिधानों में एक भारत ही नहीं अपितु एक लघु विश्व की अनुभूति करा रहे थे। आगे आगे नासिक के प्रसिद्ध ढोल नगाड़ों के साथ सुमधुर भजन मंडली चल रही थी। उनके पीछे विभिन्न क्षेत्रों से आए लोक नृत्य करते भक्त जनों के समूह भाव विभोर हो रहे थे। श्री महाराज जी का रथ धीरे धीरे उत्साहित भक्तों के समूह के साथ आगे बढ़ रहा था, जिसमें पीतांबर वस्त्र धारण कर महाराज जी एक दैदिप्यमान रूप में दर्शन दे रहे थे और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। स्वर्णिम रथ स्वर्णिम वसन स्वर्णिम पग प्रभु भाल स्वर्णिम सिंहासन सुभग शोभित श्री सतपाल। लाखों श्रद्धालुओं की इस शोभा यात्रा का शांतिपूर्ण तरीके से पुरुष और महिलाओं द्वारा अलग अलग पंक्तिबद्ध होकर यातायात को बिना अवरोधित किए सद्भावना का संदेश देना एक अद्भुत अनुशासन का परिचायक और आकर्षण का केंद्र था।